दुकान पर गए और दुकान पर जाकर के आटे की बोरी बेच दी, दुकान पर जाकर के आटे की घर बेच दी और बहू को कहा बहू खूब बना बना करके महात्माओं को भोजन करा, भूखे को खूब भोजन करा। अब बहू ने बोरी खोली, आटा था तेरा पुराना, आटा कैसा था बोलो, बोलो ना। आमतौर पे लोग वो चीजें दान करते हैं जो कहीं और काम, जो कहीं और काम। ये महिलाएं बैठी हैं, ये जरा ज्यादा समझती हैं। कपड़े वाले की दुकान पे जाती है, कपड़े वाले की दुकान, कपड़े वाले को पता क्या कहती है, भाई पापा जी को दान करना है, कोई कपड़ा दे दे दान वाले। और दुकानदार भी इतना चालू होता है, कट पीस निकाल के लाता, रेट भी डबल लगवा देता। महाराज वो दान करो जो आपको अपने लिए मिले। देखा जाना तो पुराना है, कड़वा है। बहू ने उसी आटे की रोटी बनाई और ससुर जी को भेज दी। ससुर जी ने रोटी खाई, रोटी तो एकदम कड़वी। ससुर जी ने पूछा बेटी आज की रोटी एकदम कड़वी है। बहू बोली पिताजी पता नहीं जो आटा आपने भेजा था उसी आटे की बनाई है। ससुर जी बोले बेटी नहीं, वो आटा अपने लिए नहीं था, वो तो दान करने के लिए था। बहू बोली पिताजी मुझे भी बता, दान के लिए था, पर मैंने सोचा आपको आदत पड़ जानी चाहिए कड़वा खाने की। ससुर ने पूछा वो क्यों, बोले पिताजी जो यहाँ दान करोगे वही वहाँ जा करके मिलेगा, अभी से कड़वा खाने की आदत पड़ गई तो आगे भी कड़वाई खाने को मिलेगा। सच्ची बात है, पूर्व की कमाई तूने पश्चिम में बैठ खाई, लेकिन आगरे की खेती तूने कछुना बिजाई है। आगरे का मतलब आगे के लिए हमने कोई सत्कर्म नहीं किया है। और आगे क्या लिखा है, बोले दिल्ली के दलालों ने तो सौदा ही बिगाड़ दिया। बोलो मेरे साथ, दिल्ली के दलालों ने तो, दिल्ली के दलाल बड़े प्रसिद्ध हैं, दिल्ली के दलाल हमारा सौदा बिगाड़ने में नंबर वन, सौदा बिगाड़ने में। लेकिन अपना ही भारत की राजधानी क्या, बोलो भारत की राजधानी क्या है, वहां के दलाल बड़े खतरनाक, बड़े प्रसिद्ध। अपना ये शरीर भी भारत है, अपना ये शरीर क्या है, भारत की राजधानी। और इस शरीर की राजधानी दिल्ली, इस शरीर की राजधानी क्या बोलो, दिल्ली के दलालों ने तो सौदा ही बिगाड़ दिया, अपने भी दिल के दलालों ने सौदा बिगाड़ दिया। कौन सा सौदा, जिस बखर को लैंड तू आया, राम नाम संतन घर पाया। गुरुग्रंथ साहब में लिखा है कि कौन सा सौदा तुम करने आए हो, तुम नाम की कमाई का सौदा करने आए हो। कौन सा सौदा करने आए हो, और दिल्ली के दलाल, इस दिल के दलाल कौन है, काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा राग द्वेष, ये सारे दिल्ली के दलाल हैं, ये सौदा बिगाड़ देते हैं। परमात्मा से हमको मिलने बोलो ना। कई लोग कहते महाराज भजन तो करें लेकिन भजन करने में मन लगता, ये सबकी कॉमन प्रॉब्लम। भजन करने में मन लगता, क्या कहते हैं भजन करने में, अरे भाई तुम तो लगो मन भी पीछे पीछे लग जाएगा। मन का तो बहाना, मन का तो तुम्हें नहीं लगते, मन क्या लगेगा बेचारा। एक बात याद आई मेरे को, ऐसे बताने तो नहीं चाहिए, हमारे धर्मी जी साहब नहीं बैठेंगे, बुराई ना मान जाएंगे। एक बार उन्होंने टिकट बुक कराई रामेश्वर जाने की, कहाँ जाने की, रामेश्वर नाम सुना है, कहाँ जाने की, दिल्ली से ट्रेन बुक की, ट्रेन कहाँ से बुक की। अब भगवान ने इनके ऊपर भी कृपा किया है, शरीर बढ़िया है, आगे इनकी घरवाली का भी शरीर पाया भगवान खाते पीते घर। महाराज टिकट तो बुक करा ली, सुनने जैसी बात, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे गए लेकिन रेल में दोनों सीटें मिल गई ऊपर वाली, सीटें कौन सी मिल गई, अब लाला जी भी तगड़े और लाली जी भी तगड़ी, सीटें कौन सी मिल गई। अब लाला जी की घरवाली बोली देखो जी मैं ऊपर वाली सीट पे बैठने वाली, मेरे को नीचे वाली सीट चाहिए, मैं ऊपर वाली सीट पे नहीं बैठूंगी, कौन सी सीट चाहिए। अब लाला जी बड़े चला ऊपर नाला के चला तो होंगे, लाली बोली के ऊपर वाली सीट नहीं चाहिए, नीचे वाली चाहिए।
निकला, दादाजी ने हाथ जोड़ के कहा भगवान ऊपर बैठ तो सही, सीट अपने आप नीचे आ जाए। ऊपर तेरे वजन से सीट, तो भाई तुम भजन में लगो तो सही, तुम्हारा मन भी अपने आप भजन में। अच्छा अच्छा चलो, मान लिया कि मन भजन में।